A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadwani, your English teacher. Today we'll study previous year paper, The Tempest 2020 question paper. Okay, main thing here in this part is your long answers that we will study today. Short answers are also given. जैसे इसमें सबसे पहले ये वाला part दिया है, even though you are aware कि आपका सबसे पहले MCQs आएगा. ठीक, तो दिस इज एक्ट वन सीन टू, जिसका हमें कोई काम नहीं है अभी. हम लोग को सिर्फ एक्ट फोर और एक्ट फाइव से रिलेटेड चीजें पढ़नी है. दिस इज एक्ट टू सीन टू, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ आर. देन दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एक्ट फोर सीन वन से ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है. दैट द वेरी फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर एरियल क्या कहता है, दाउ थॉट्स आई क्लीव टू बट्स दाय प्लेजर स्पिरिट वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट कैलिवान ए माई कमांडर वेन आई प्रेजेंटेड सेरस. Ariel, I thought to have told thee of it, but I feared lest I might anger thee. Prospero, say again, why, where did you leave these wallets? यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? Caliban, Stefano and Trinculo की बात कर रहे हैं, ये दोनों. This part I am teaching you, क्योंकि even though ये वाले questions आपके काम के नहीं है, but still ये हम आपको बताने की, in case ऐसी कोई भी चीज आपके MCQs part में भी आ जाती है, then also you should know. You should also know कि अगर आप एक short या long answer कुछ भी attempt करते हो, तो what council demands from you, वो क्या आपसे expect करते हैं. ठीक है, very first thing is, for whom is the term wallets used? हमने पहले ही बता दी थी, Caliban, Trinculo and Stefano. तो इसके लिए बहुत सारे, मतलब सिक्स क्वेश्चंस पहले ये पढ़ लो, देन हम लोग एक एक का एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो टू लॉन्ग आंसर्स दैट केम इन 2020. व्हाट कॉमिकल बिहेवियर ऑफ देयर्स डज एरियल नरेट नाउ, कि वो ऐसा क्या कर रहे थे. बहुत सारी चीजें हमने आपको जब टेम्पेस्ट पढ़ाया था, यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑल्सो, टेम्पेस्ट पढ़ाया था, तो हमने आपसे ये भी बताया था कि व्हाट दे वर डूइंग, वो इतना ज्यादा ड्रंक थे दैट दे वर अपनी स्वॉर्ड्स को वो ऐसे करके हवा में चला रहे थे. ठीक है, तो ऐसे ही कॉमिकल बिहेवियर्स दो हैं. आप यू कैन राइट एनी ऑफ द टू पॉइंट, थ्री पॉइंट्स यू कैन राइट. वेयर हैड दीज पीपल, और ये वाला आपका लॉन्ग में भी आ सकता है. देन वेयर हैड दीज पीपल बीन गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे एंड क्यों जा रहे थे. ऑब्वियसली दे वर गोइंग देयर टू किल प्रोस्पेरो. Where did Ariel leave them eventually? Last में वो उसको कहाँ छोड़ गया था, वही जो dirt का pond था उसमें बोल, उसने Ariel ने उसको छोड़ दिया था. What did they do then? ये इसमें लिखना है. What does Prospero tell Ariel to do? और फिर उसको वो क्या कहता है करने के लिए, क्या उसको काम बताता है कि मेरा वो जो rich garment है, trumpery है, वो लेकर के आ जाओ. And you have to tell the meaning of these two. देखो meanings बहुत important है उसके लिए. या तो पूरी पूरी टेक्स्ट जितना भी एक्ट फोर फाइव है वो पढ़ लो, वो भी बहुत सफिशिएंट है. इफ यू विल वॉच द वीडियोस आपको उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो भी पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, अलोंग विथ टेक्स्ट पढ़ो. आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. ठीक है, देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि फॉर हूम इज द टर्म वॉलेट्स यूज, ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना, वॉलेट्स वाला. तो क्या कहा गया यहाँ पे, मोस्ट कैंडिडेट्स आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. किस कुछ लोगों ने क्या नाम दे दिया था, स्टीव, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, इवन दो द थ्री वर कैलिबान, ट्रिंक्यूलो, ठीक, एंड लास्ट वॉज कैलिबान, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो द बटलर. फिर क्या कहा गया है, What comical behavior of theirs does Ariel narrate now? Textual details were not brought out by many answers. Many candidates merely stated that they were drunk. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें दी गई थी कि they were tapping their feet on the ground and उनको वो इल्जाम लगा रहे थे कि जो फ्लोर है वो उनकी फीट्स को किस कर रही है. बहुत सारी ऐसी चीजें थी. प्लस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये टेक्सुअल डिटेल्स का क्या मतलब है कि टेक्स्ट में जितनी पॉइंट्स दिए गए थे वो सब उनको पता होने चाहिए. फिर क्या कहा गया, वेयर हैड दीज पीपल बीन गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे थे. तो प्रोस्पेरो का सेल यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया था. ठीक है, और क्यों जा रहे थे, जस्ट टू किल प्रोस्पेरो वो लोग वहां पर जा रहे थे. वेयर डिड एरियल लीव देम इवेंचुअली, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज
करेक्ट। और फिर क्या बोला गया, व्हाट डिड दे डू देन, फिर उन्होंने क्या किया। द सेकेंड पार्ट रिवील्ड लैक ऑफ टेक्सुअल डिटेल, कि एक्चुअल में बच्चों ने टेक्स्ट से पढ़ा ही नहीं था। और लिटरली बता रहे हम, क्लास 12 अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, दैट व्हाट डज प्रोस्पेरो टेल एरियल। यहाँ पे हम पढ़े व्हाट डज प्रोस्पेरो टेल एरियल टू डू। प्रोस्पेरो यहाँ पर उसने बोला था कि मेरा जो गार्मेंट है वहां से ले आओ, दैट इज नोन एज ट्रम्परी। उसने कहा कि इट वॉज नॉट मेंशन बाय मेनी ऑफ द कैंडिडेट, सम रोट दैट एरियल वॉज आस्क्ड टू फेच रिच एंड ग्रैंड क्लोथ्स, दस कंप्लीटली चेंजिंग द मीनिंग। यहाँ पर प्रोस्पेरो का कपड़ा लाने के लिए बोला गया था, उसका क्लॉथ लाने को बोला गया था, एंड दैट वाज द टर्म ट्रम्परी वाज यूज। अगर आप इतना लिख दोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग क्लीव एंड वॉलेट्स, इन दोनों का मीनिंग आपको बताना था, और ये दोनों ही लिखने थे, कुछ बच्चों को क्लीव का मीनिंग नहीं पता था। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग इसी के ही जो सॉल्यूशंस है वो करेंगे। ये पहले दूसरे जो आरटीसीज है वो आपके काम के नहीं है। दे वाई आई एम सॉल्विंग इट हियर, इवन तो आपके में आरटीसीज आएंगी, बट हम ये इसलिए सॉल्व करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इन केस ऐसा कुछ आ जाता है तो आपके पास वो चीजें होनी चाहिए कि हाँ इस वर्ड को ये कहा जाता है। टेक्स्ट से छोटे छोटे पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ये है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन सबसे नीचे यहाँ पर, दैट फॉर हुम इज द टर्म। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि फॉर हुम इज द टर्म वॉलेट्स बीइंग यूज्ड हियर, तो दे हैव गिवन द सॉल्यूशन कैलेबान स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो, या फिर सिर्फ इतना सा लिखा जा सकता कैलेबान एंड फेलो कंपेनियंस। ओके, तो मतलब ऐसे करके ये लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड वन इज दैट व्हाट कॉमिकल बिहेवियर ऑफ देयर्स डज एरियल नरेट नाउ, कि उनके कौन से कॉमिकल बिहेवियर थे। द थ्री वर फ्लश्ड विद ड्रिंकिंग, फिल्ड विद द न्यू फाउंड वेलर, दे स्मोट द एयर फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेसेस। तो वो क्या कर रहे थे कि वो दे वर स्मोटिंग इन द एयर अपने, मतलब वो क्या कहते हैं, अपने शॉर्ट्स को वहां पर चला रहे थे ऐसे करके कि वो जो एयर है उनको ब्रीद करी उनके फेसेस पे, एंड व्हाट दे वर डूइंग, दे वर बीटिंग द ग्राउंड फॉर किसिंग देयर फीट। ठीक, ये चीजें लिखनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि वेयर हैड दीज पीपल बीन गोइंग, वाई, कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। क्या लिखना था, दैट प्रोस्पेरो के सेल में वो लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग टू प्रोस्पेरो सेल टू किल हिम। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड व्हाट डज प्रोस्पेरो टेल एरियल टू डू एंड वाई। प्रोस्पेरो ने उसको क्या बोला था कि टू फेच द ट्रम्परी और गार्मेंट्स फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से गार्मेंट्स लाने को, टू हैंग देम ऑन द ट्रीज नियर द सेल। फिर ही नोज, क्यों, क्योंकि ही नोज दैट इट विल सर्व एज अ ट्रैप, एक जाल के जैसे काम करेगा, एज द थ्री विल नॉट बी एबल टू बैटल द अट्रैक्शन ऑफ वेयरिंग रॉयल गार्मेंट्स, मतलब कि दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम एंड दे वोंट, मतलब दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड टू किल प्रोस्पेरो, उस पर्पज से वो डिस्ट्रैक्ट होकर के रॉयल गार्मेंट्स की ओर वो चले जाएंगे। फिर मीनिंग पूछा गया था क्लीव का, क्लीव मीन्स फॉलो क्लोजली, स्टिक टू, एधर टू और क्लिंच टू, एंड वॉलेट मीन्स रॉग्स स्क्राउंडल्स विलन्स और रेचेस, कोई भी एक मीनिंग भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आई होप इतनी सी चीज समझ में आ गई। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग आंसर, ये कैंडिडा का दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। आपको अपना जो भी आपकी बुक से, को पेपर बहुत लंबा आता है जिसमें आपको अलग अलग पोएम्स और दी होती है, यू हैव टू सर्च योर बुक इकोज रेवरी एंड टेम्पेस्ट, यही सेम चीजें आपको बस उसमें से ढूंढ के निकालनी है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जिसमें हम लोग ये अब जो आएगा, दिस विल बी ऑफ 4-4 मार्क्स, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, सबसे पहली चीज ये, और ये हम क्यों यूज करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दैट रेफरिंग क्लोजली टू एक्ट 4 सीन 1, डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स शावर्ड बाय सेरिस आयरिस ऑन मिरांडा एंड फर्डिनेंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ब्लेसिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले पढ़ लो क्या था। आंसर्स वर वेग एंड जनरलाइज्ड, मतलब नॉर्मल। जनरलाइज क्या होता है, एक नॉर्मल से उनका द ब्लेसिंग्स वर गिवन टू द कपल, मतलब बहुत जनरल ब्लेसिंग्स होती है वो। द एक्चुअल ब्लेसिंग्स और उनके सिग्निफिकेंस वॉज नॉट गिवन बाय द कैंडिडेट्स। ठीक, फिर क्या कहा गया है, व्हाट डिड प्रोस्पेरो टेल फर्डिनेंड जस्ट बिफोर द मास्क। इससे पहले फर्डिनेंड और प्रोस्पेरो का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था एकदम बिगनिंग ऑफ एक्ट फोर सीन वन में, वो यहाँ पर बताना है। व्हाट डिड ही एम्फेसाइज एंड हाउ डिड फर्डिनेंड आंसर हिम, किस चीज पर वो, उसका प्रोस्पेरो का बहुत ज्यादा एम्फेसिस था और फर्डिनेंड ने उस चीज को कैसे आंसर किया। और इससे आपको बताना है कि प्रस्पेरो, अबाउट प्रस्पेरो, प्रस्पेरो के बारे में बताना है, अबाउट फ्रॉम द इवेंट्स दैट अकर इन द एक्ट। हर किसी का, हमने ये चीज आपको जब ये बताया था कि लिटरेचर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, द वेरी फर्स्ट वीडियो आफ्टर योर एग्जाम लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वाला, तो हमने ये चीज बताई थी दैट यू हैव टू स्टडी द ऑल द कैरेक्टर्स और उसको सीन वाइज पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, सेकेंड वाले में क्या बोला गया था कि वॉट Did Prospero tell Ferdinand just before the mask? Most candidates did not mention Prospero's concern about not violating Miranda's chastity and purity before the marriage rites were celebrated and Ferdinand's assurance for the same। बहुत सिंपल सी एक चीज है, बीटा पब्लिकेशन की जो बुक हमने ली थी, ठीक, जो बहुत सारे बच्चे यूज भी करते हैं, उसमें ये वाला पूरा टेक्स्ट नहीं था। आई डोंट नो वेदर इट इज देयर फॉर द न्यू सिलेबस ऑफ टेम्पेस्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस है जो हमने, जो उस पार्ट में नहीं था। ओके, तो फिर भी बट इफ अगर आ जाते तो यू नीड टू हैंडल इट, कहीं वेबसाइट से या कहीं से पढ़ लेना इसको कि हाँ ये वाला पोर्शन भी उसमें था जो कि एकदम कटा हुआ था बीटा पब्लिकेशन में। हाउ एवर सर्टेन डिटेल्ड रेफरेंसेस ऑन कोटेशंस जो आपको मेंशन करनी होती है, बेरन हेट सोर आई डिस्टेन एंड डिस्कॉर्ड वुड हैव मेड फॉर अ हायर ऑर्डर आंसर। हायर ऑर्डर आंसर मींस आपको उसमें फुल मार्क्स, बहुत सारे मार्क्स मिलते इफ यू वुड हैव रिटन दीज कोट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो के बारे में आप क्या कंक्लूजन देते हो, Many candidates fail to point out aspects of Prospero, his concern for his daughter, his relief that Ferdinand would prove to be fit partner for Miranda. ये सारी चीजें बच्चों ने नहीं लिखी। His skill as a magician, his pride in the vanity of his art were not brought out. तो ये सारी चीजें नहीं लिखी गई थी जो कि आपको लिखनी है। Okay, now अब ये बहुत सारी चीजें जो आपको, अगर आपके पास 2-3 दिन भी हैं अभी तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू वांट। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले। अगेन आई एम सेइंग प्लीज रीड इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, यहाँ पर देखो, पढ़ो, प्रिपेयर करो, बट अल्टीमेटली किताब खोल करके खुद से भी पढ़ो। एडिंग रेलिवेंट कोटेशंस शुड बी ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस, ये करना ही है आपको। कैरेक्टर एनालिसिस शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग, हर सीन के बाद ये चीज होनी चाहिए, कैरेक्टर एनालिसिस होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली, आंसर क्वेश्चन में जो पूछा उस अकॉर्डिंग बताना है। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू मेक अ फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो पहले जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी एक्ट फोर सीन वन में, पहले मिरांडा फर्डिनेंड और उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, किसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, प्रोस्पेरो की। उसके बाद दे केम, तो वो भी किस ऑर्डर में आए, जो गॉडेस थी वो किस ऑर्डर में आई, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, ब्लेसिंग्स के बाद वो सारा जितना भी मैस्कुरेट था वो सब क्लोज हो गया। फिर उसके बाद प्रोस्पेरो ने एरियल को बुलाया, उसको बोला कि उन वॉलेट्स को ले करके आओ। फिर उसके बाद वो लोग आए, उसका भी बीच का पार्ट जो था कि हाँ दे व्हाट दे हैव डन एंड ऑल। फिर उसके बाद उसको, उनको परेशान करना, डॉग्स और हाउंड्स को उनके पीछे भेज देना, ये एक फ्लो में जाता है, तो वो सारी चीजें आपको सीक्वेंस में लिखनी होगी। स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी मेड टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्शन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर रिवील कैरेक्टर ट्रेट्स इंटेंट पर्पस एंड ऑल्सो द पॉइंट टू फर्दर इवेंट्स इन द प्ले।
कि एक चीज के कारण कैसे अगले इवेंट्स बनते जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन मार्किंग स्कीम में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स ऑफ सेरिस एंड आयरिस। दो ही लोगों की पूछी है, जूनो की नहीं पूछी है, तो उसको नहीं लिखोगे। अगेन आई एम सेइंग दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज रिपीटेड इन सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का। वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आफ्टर कंप्लीटली कन्विक्टेड अबाउट, यहां से मतलब कुछ चीजें जो इसमें आपको मेंशन करनी है, आफ्टर कंप्लीटली कन्विंस्ड ऑफ द सिंसियरिटी ऑफ फर्डिनेंड्स लव फॉर मिरांडा, प्रोस्पेरो गिव्स अ सील ऑफ अप्रूवल टू देयर यूनियन, मींस वो हाँ कर देता है। ही ऑर्गेनाइजेस अ मास फॉर देम एज अ रिवॉर्ड एंड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हिज प्रोवेस एज अ मैजिशियन। मतलब वो एज अ मैजिशियन है तो उसके से रिलेटेड उसके पार्ट्स को वो डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है दैट, अब देखो कुछ काम की चीजें जो है इसमें से सिर्फ वो आपको पढ़नी है। व्हाट थिंग्स, टू थिंग्स वर आस्क्ड, की ब्लेसिंग्स क्या थी दोनों की। ठीक, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, चार नंबर का क्वेश्चन है ये, क्योंकि आठ छ नंबर, आठ छ छ नंबर का होता था तो ये बहुत लॉन्ग होते थे। आपको जितना लिखना है आप उतना ही लिखो। आयरिस द गॉडेस ऑफ रेनबो, आप मेंशन भी करोगे, अगर आप एक कैरेक्टर को बता रहे हो तो उसके बारे में भी लिखोगे। व्हाट ही डिड, ही समन सेरिस। ओके, सेरिस को समन किया, द गॉडेस ऑफ अर्थ टू बी स्टो ब्लेसिंग्स ऑन द यंग कपल, सेरिस एंड गॉडेस जूनो, मतलब कि ये दोनों वहां पर आए थे, सेरिस एंड गॉडेस जूनो, गिव देयर ब्लेसिंग, सेरिस ब्लेसेस द यंग कपल। कैसे वो कहती है, मतलब वो क्या बोलती है, एंड अर्थ इंक्रीज इन पॉइजन प्लेंटी। ये पूरा उनके कोट्स थे जो आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, अर्थ इंक्रीज इन पॉइजन प्लेंटी, their barns granaries would never be empty, vines would be loaded with clustering bunches, plants similarly would bow under their plentiful produce। ये learn कर लेना points बना करके कि उन्होंने क्या क्या blessings दी थी। spring would come at the end of every harvest, there would not be the bleakness of winter in their lives, scarcity and want would shun them। ठीक, मतलब कि उनके पास कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो। फिर उसके बाद आयरिस, ये तो सेरिस की ब्लेसिंग्स थी, आयरिस की ब्लेसिंग्स आर मोर इम्प्लिसिट, उसने एक्सप्रेस नहीं किया था बट वो अपने एक्ट से दिखा रहा था कैसे। आयरिस द इज द रेनबो विच यूनाइट्स द अर्थ एंड स्काई, द अर्थली मंडेन एंड मंडेन मींस द फिजिकल वर्ल्ड एंड हेवनली आइडियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, शी फ्रीली ब्लेसेस देयर वेडेड लाइफ। कैसे, शी समन्स द निम्स ऑफ द स्ट्रीम, जलपरियां, एंड रीपर्स जो भी फार्मर्स होते हैं वहां के, टू डांस। इसका हमने बहुत सुंदर सा एक्ट फोर सीन वन बनाकर दिखाया था, प्लीज उस वीडियो को देख लेना। ऑलमोस्ट मतलब आई मीन पूरी ही टेम्पेस्ट की जितनी भी एक्ट फोर फाइव की प्लेलिस्ट है वो देख लेना। कैरेक्टर्स अगर नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट, टेम्पेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट है उसको पढ़ लेना। स्टार्टिंग में हमने टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स और उसकी समरी दी हुई है, वो पढ़ के उसके बाद एक्ट फोर पर आना इफ यू डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर्स। एंड ऑन द ग्रीन, ठीक, व्हेन शी समन्स द निम्स ऑफ द स्ट्रीम एंड द रीपर्स टू द डांस ऑन द ग्रीन, शी अगेन एम्फसाइजेस द प्रेजेंस ऑफ कामलेस एंड कामनेस एंड वाइटैलिटी इन देयर लाइव्स। अब क्या कहा गया कि इनका जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या था, दैट मतलब इनकी इंपॉर्टेंस, द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस एक्वायर स्पेशल रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडास फ्यूचर रोल्स एज किंग एंड क्वींस ऑफ नेपल्स इन द प्राइमरली एग्रेरियन मींस एग्रीकल्चरल सोसाइटी, दीज वुड बी द ब्लेसिंग्स विच वुड बी मोस्ट रेलेवेंट एंड अप्रिशिएटेड। मोर ओवर द ब्लेसिंग्स एम्फसाइज फर्टिलिटी, अ डिजायर्ड क्वालिटी इन एनी मैरिज, दैट दे विल हैव देयर ऑफस्प्रिंग्स विच विल बी द फ्यूचर किंग्स एंड क्वींस ऑफ नेपल। ओके, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपके काम का नहीं है तो इसीलिए इसको मत लिखो कि बाद में वो सब प्रोस्पेरो उसको सडनली क्लोज कर देता है और उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं या उनको सब बैनिश कर देता है। हाँ, ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, दस द मंडेन एंड अर्थली मैटर्स इम्पिंज ऑन द इल्यूजरी एंड आइडल डिस्पेलिंग मैजिकल एटमोसफेयर क्रिएटेड बाय प्रोस्पेरो, देर इज अ कंफ्यूजन एज ऑल स्पिरिट्स वैनिश।
इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट दिस, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी. फिर उसके बाद पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज Next question was, what did Prospero tell Ferdinand just before the mask? What did he emphasize and how did Ferdinand answer him? ठीक है, तो ये even though this is not in the book that I had, neither I have taught this, but still ये part है question का, तो आप इसको पढ़ लो. Beginning of Act 4 में it is evident कि Prospero is finally convinced of the sincerity of Ferdinand's love for Miranda. क्या कहा गया है कि एकदम beginning में Ferdinand is very much Prospero is very much convinced of Ferdinand's love for Miranda. He declares that Ferdinand has withstood his test well. Now he was willing to entrust him his daughter. मिरांडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु वॉज द थर्ड ऑफ माई ओन लाइफ, यहाँ पर प्रोस्पेरो और मिरांडा. प्रोस्पेरो के लिए मिरांडा क्या है, तो छोटे छोटे कोट्स आप ऐसे करके उसमें मेंशन कर सकते हो. प्रोस्पेरो कंसर्न फॉर हिज डॉटर इज एविडेंट एज ही रिपीटेडली रिमाइंड फर्डिनेंड टू एंश्योर दैट मिरांडास चैस्टिटी प्योरिटी इज नॉट वॉयलेटेड till the marriage rites are celebrated. This concern with chastity, chastity means the virginity of Miranda, reflects the values of the contemporary society. ठीक, ये इतना डिटेल में उसको लिखने की जरूरत नहीं है. If you don't know that, अगर उसको नहीं पढ़ा है तो it's okay. फिर क्या कहा गया है, Prospero warns Ferdinand, यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं, If Ferdinand breaks Miranda's virgin vow before marriage, the heavens will not rain down any blessings on the couple. Instead, barren hate, sore-eyed disdain and discord shall cover their marriage beds with weeds, so that hatred of instead of love will grow in their marriage. ये Prospero कहता है कि अगर if you crossed, Ferdinand को कहता है कि if you cross your limit, तो no blessings will be showered by God, but only there will be discord and hatred for you both. Ferdinand tries to assure Prospero that he will not give into any temptation, regardless of the opportunity. भले उसको मौका मिले, भले the place is favorable, still he will not cross his limits. If the time to his marriage seems too long, he will console himself with the thought that Phoebus's steeds had foundered or night had been kept chained below. Phoebus is the sun god, ठीक, and steeds are his horses. Ferdinand यहाँ पर कहता है कि he hopes peaceful days, good children, long life, the same intensity of love, he will not forego them. Even if he is under temptations like the darkest den or the opportunity of his own evil thoughts. अगर ऐसा कुछ भी हुआ तभी भी वो कुछ ऐसा नहीं करेगा. फिर उसके बाद next question was कि इससे, इन सारी चीजों से आप Prospero के बारे में क्या कंक्लूड करते हो. तो Prospero के लिए क्या कहा गया, that he, we can see that he was in a much more mellow mood. Mellow means sweet sounding mood. His concern for his daughter is evident from the fact that he takes pain to test Ferdinand's sincerity. Ferdinand ki sincerity ko check karne ke liye wo usko bahut zyada pareshan karta hai. To uska concern for his daughter isi se pata chalta hai. Once sure he has a grace, he gracefully explains his action ki haan usne aisa kyun kiya tha, usko wood wala kaam dekar lakdi uthane wala kaam dena bhi, मतलब Prospero एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने ये सब चेक किया था, सो दैट आई कैन चेक दैट यू लव मिरांडा. ही इवन एडमिट्स दैट फर्डिनेंड हैज स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट. हिज प्राइड इन हिज डॉटर कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट ही कॉल्स फॉर रिच गिफ्ट्स दैट ही इज गिविंग फर्डिनेंड. यहाँ पर Prospero का कैरेक्टर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इवेंट, अकॉर्डिंग टू दिस सीन, एक्ट 4 सीन 1. At the same time, he wants to ensure that union is marked by correctness. So he reminds Ferdinand not to violate his chastity till the marriage rites are completed. ये हम समझा चुके हैं already. He is proud of his skills. Who? Prospero is proud of his skills as a magician. Okay.
and therefore holds the mask as a reward that the young couple and also to display his art, मतलब कि वो जो masquerade करता है वो इसलिए करता है as a reward to the young couple and also to show his powers of magic. When Ferdinand in amazement asks him about the actors, Prospero कहता है that they are his spirits whom he had called from their confines to enact his fancies. जो भी उसने imagine किया था उसको यहाँ पर actual में दिखाने के लिए Prospero कहता है कि उनको उनके den से, कैद से या जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं उनको वहां से लेकर यहाँ पर आया गया है. However, when the mask is disrupted, Prospero talks about the ephemeral nature of the illusions. Ephemeral, short period, जो होता है. अब देखो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो आप लोग. Prospero Act 4 Scene 1 में जब ये सब लोग चले जाते हैं तो Prospero बहुत सारे examples देता है ये दिखाने के लिए कि actual में जितनी भी चीजें हैं वो एक nothing lasts forever, हर चीज एक भ्रम के जैसी है. तो वो बहुत सारे examples देता है, great palaces हो जाते हैं, temples हो जाते हैं, तो वो सब भी खत्म हो जाते हैं. वो वाला point आप इसमें prepare कर लेना. He had created, Prospero having achieved his aims, becomes philosophical as he comments like illusions presented. वो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये एक line बोलता है, क्या कहते हैं, we are such stuff as dreams are made on and our little life is surrounded with a sleeve that one day we all are like a dream and one day we'll all have that eternal sleep. एक दिन हम लोग जरूर सो जाएंगे. Okay, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे ये 20 नंबर का है, हम इसका सिर्फ उतना ही पार्ट बता रहे हैं जो आपके सीन से रिलेटेड है, एक्ट फोर से रिलेटेड है. फाइव में तो वो शायद नहीं आता है, आता है, I don't remember. मुझे उतना पता है आता है शायद, वो लास्ट में आता है. Prospero refers to Caliban as a devil, a born devil. ठीक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको इवेल्यूएट करना है कैरेक्टर एंड रोल ऑफ Caliban इन द प्ले. अब Caliban और Prospero के बारे में पूछ लिया गया है, अब Ferdinand, Alonso, Ariel इनके भी रोल्स प्रिपेयर कर लेना. देन क्या बोला गया है, दिस इज अगेन द पीडीएफ दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ आईएससी. मोस्टली अ जनरलाइज्ड वेक समरी दी गई थी जो obviously every child does, तो ये चीज नहीं करनी है. Prepare a nice answer, हर किसी के characterization के points text से ढूंढ करके लिखो. Okay, many candidates laboriously argued in favor of Caliban. कुछ लोगों ने Caliban के favor में बोला था. Obviously यहाँ पर बोला है that Caliban एक devil है, एक born devil है, तो आपको उसका negative part ही show करना है. Empathy for the character with personal perspective was lacking in almost all the answers. Also, appropriate textual references established the answer were not up to the mark. क्या लिखा गया है कि empathy for the character, personal aspects, आपको पूछा गया है ना कि इसका character और role बताओ, तो आपको सब अपना personal aspect भी उसमें लिखना था. And empathy of the character कि if You were at the place of character, तो आपने क्या किया होता. Some candidates wrote the summary of the play, touching upon the character of Caliban. Details were missing. They mentioned a devil, a born devil. ठीक, उन्होंने ये सारी चीजें mention तो की, but they could not justify it. However, some examples and quotations from the text were evident. आप कुछ चीजें लिखी थी, कुछ चीजें नहीं लिखी थी. अब देखो इसमें कुछ सजेशन भी दिया है. क्या कहा गया, स्टूडेंट शुड बी टॉट प्रॉपर इवेल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट सीन समरी. आपको सीन बाय सीन की समरी नहीं, बट आपको उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स और एनालिसिस पढ़ना है. दे शुड मेंशन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स विच विल ब्रिंग आउट द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर. कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आप बताओगे जो कि कैरेक्टर ट्रेट्स बता सके. ठीक है, इन दिस इंस्टेंस they should have mentioned उसके devilish traits, जो उसके बुरे चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर उसको devil के फॉर्म में दिखाया गया है. Which actions showed these traits, और ऐसे कौन से actions थे. Obviously he was planning to murder Prospero, तो ये वाला trait उसका इसमें show करना था इस answer में.
तो जिस मतलब जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा गया, से हम क्या सीखते हैं कि जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा गया है हमको उसको उसी के अकॉर्डिंग ही बताना है। देखो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि फर्स्ट एट द वेरी फर्स्ट पार्ट यू विल इंट्रोड्यूस कैलिबान। कैलिबान का इंट्रो दो, कैलिबान कौन था? ही कैलिबान द मिस हैपन सन ऑफ द विच साइकोरैक्स इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रोस्पेरो। हैगबॉन मत लिखो क्योंकि ये पुराना वाला है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रोस्पेरो एज अ डेविल। ओके, डेविल, अ बॉर्न डेविल। उसके बाद यहां से आपका पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है, जहां से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैलिबान्स रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट क्या होता है? बिटर एंगर एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। तो कैलिबान्स जस्ट बिकॉज कि ही इज शोन एज अ डेविल, तो उसका जो रिसेंटमेंट है, उसका जो गुस्सा है क्योंकि उसको बहुत ही बैडली ट्रीट किया गया, वो बहुत इंटेंस था। इट इज क्लियर कि वो प्रोस्पेरो को हेट करता है। व्हेन ही मीट्स स्टीफेनो एंड ट्रिंगुलो ही सीजेस द अपॉर्चुनिटी टू हैश, मींस एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचता है वो अगेंस्ट प्रोस्पेरो इन मेनी वेज। कैलिबान इज एन इनोसेंट रिएक्टिंग टू इमोशनल, कहीं कहीं पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाया गया है, फिजिकल नीड्स को पर रिएक्ट करते हुए शो किया गया है। विदाउट द एबिलिटी टू थिंक थरो, बिना ही इस एबिलिटी के कि वो उसके पार सोच सके एंड फुली अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड पीपल हु सराउंड देम, ही इज ट्रूली, यहाँ पर ये भी कहा गया दैट ही इज अ चाइल्ड ऑफ नेचर। ऑब्वियसली वो चीजों को बहुत ही ऊपरी तरीके से लेता है। ही इज अनएजुकेटेड रिएक्टिंग टू हिज सराउंडिंग इन मच द सेम वे एज अ एनिमल डज, जैसा उसके साथ मतलब जैसा वो चाहे, वो जिस भी एनवायरमेंट में वो वहां पर रिएक्ट करता है। However, at the same time, he turns out to be more focused and sensible. Starting में उसको बहुत वैसे दिखाया गया that he is an insensible person. Last में जब वो ये एक conspiracy करता है with Stefano and Trinculo, तो at the time they are easily diverted by the glittering garment. Stefano Trinculo, यहाँ पे एक event बताया जा रहा है जहाँ पर he is shown as more focused. जब स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो आर इजिली डाइवर्टेड बाय द ग्लिटरिंग गार्मेंट्स, ये आपको पता है जो प्रोस्पेरो प्लेस करता है, सो दैट, और वो क्या होता है इससे ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉरगेट देयर गोल। कैलिबान ऑन द अदर हैंड गार्मेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है एज अ ट्रैश, एज समथिंग दैट इज रबिश, बट हिज कंपेनियंस डू नॉट लिसन टू हिम, पर उसके जो साथी होते हैं स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो उसकी बात नहीं सुनते। ओके, डिस्पाइट हिज सैविज डेमेनर, मीन्स डिस्पाइट हिज अनकंट्रोल्ड बिहेवियर एंड ग्रॉटस, मीन्स दिस कॉमिकली और रिपल्सिवली अग्ली, मजाक भी करता है बट ही इज अग्ली अपियरेंस के कारण, कैलिबान हैज अ मोर सेंसिटिव साइड। इसके अलावा उसका एक सेंसिटिव साइड भी है दैट द ऑडियंस इज एबल टू ग्लिम्स ब्रीफली। His beautiful speeches about the island, ये आप mention कर सकते हो। Its magical music, be not sleep again, ये वाली एक line है उसमें, उसको search करना। Provide some of the beautiful imagery in the play, ठीक। Prospero, of course, does not see any redeeming feature in him. Prospero ये देखता है कि उसने जितना भी उसको सिखाया उसके बदले उसको कुछ मिल नहीं रहा है, redeem नहीं हो रहा है in him and terms him a born devil on whose nature does not stick. ये थी वो वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैलिबान के बारे में कुछ भी लॉन्ग में आता है तो इस कोट को याद कर लेना, कैलिबान इज अ बॉर्न डेविल ऑन हूज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, ठीक। प्रोस्पेरो फील्स दैट ही ग्रोज मोर रिपल्सिव एज ही एजेस, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर का जो एंगर है, बिटरनेस है, वो और बढ़ जाएगी। हिज फोर्स इज सर्विट्यूड, उसको ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती सर्व करवाया जा रहा है एज अ स्लेव, एंड हिज ऑपरेशन बाय प्रोस्पेरो हैव लेड टू मेनी रीडर्स इंटरप्रेट हिम एज अ सिंबल ऑफ नेटिव कल्चर ऑक्यूपाइड एंड सप्रेस्ड बाय यूरोपियन कॉलोनियल स्काउट्स, दिस इज नॉट ऑफ योर यूज। तो इतने पार्ट को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर के फिर से इसको पढ़ सकते हो। कैलिबान रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एंड एम्बिगस कैरेक्टर इन द प्ले,
जिसके बारे में आप इजिली कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो. अ सेंसिबल मॉन्स्टर, ही इज अ मॉन्स्टर बट ही इज अ सेंसिबल मॉन्स्टर हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फूल, जो खुद को न्योता देता है गलत गलती करने के लिए. प्रोस्पेरोस वर्ड्स अ डेविल रिप्रेजेंट द इम्पेशेंस ऑफ द मास्टर और मेंटोर हु हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन हिज टास्क. And one therefore concludes who concludes that there is no redeeming feature in Caliban. Okay. However, the close reading of the play will reveal interesting facets of the character, will arouse a certain amount of empathy. अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो you will also have empathy for Caliban. Perhaps Prospero's words reflect European attitudes to the native of the regions they conquered. इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है. जितना पढ़ा है टेक्स्ट से सिर्फ उतने से मतलब रखो. बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करोगे दिस यूरोपियन एरा एंड ऑल तो जो याद किया है वो भी सब भूल जाना है. ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया. देन वी विल डू 2019. हम लोग इसका स्टोरी भी करेंगे क्योंकि एक एक चीज को अलग अलग. ऐसे तो हम आपको क्वेश्चन दे देंगे टेलीग्राम पर, आप उसको पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे. बट स्टिल देर आर चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इसमें. सिर्फ उतना पढ़ो जितने आपके काम का है. चार नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू पैराग्राफ्स ऑन इट. 255 लाइंस के पैराग्राफ्स भी आप उसमें लिखोगे या वन पेज भी लिखोगे तो दैट वन पेज विल बी सफिशिएंट, जिसमें आप अच्छे से सुंदर सुंदर कोट्स डालो. बट सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ कोट्स उसमें भर देते हैं तो वो काम मत करना, बट प्लीज कोट्स को प्रिपेयर कर लेना. ओके, आई होप इतना जो भी पार्ट्स हमने इसमें आपको समझाई है ये आपको समझ में आए होंगी. जो कोटेशन हमने आपको स्पेशली इसमें दी है उसको पढ़ लेना. And rest we will do in the next video. Till then, keep preparing and best wishes for your exam. Thank you.